वेलकम मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का प्रयास होगा। तरज्जू आक्रमण में कॉर्नर के ऊपर खेलने का प्रयास करते हुए निश्चित रूप से उनकी टीम उनके कैप्टनशिप में ये मैच खेल रही है। निश्चित रूप से कॉर्नर के ऊपर एक जोर आजमाए शुरुआती लम्हों का क्षण और जहां से पहला रेड होता हुआ निश्चित रूप से जोखिम से बचने का प्रयास दोनों ही छोरों से। पहला रेड अब कोल्हिया मुड़ा के और रेडर पांच नंबर की जर्सी में एक कड़े मुकाबले के अंदेशा निश्चित रूप से इस ठंड को थोड़ा सा भगाने का काम करेगी दोनों ही टीमें। और निश्चित रूप से जैसे जैसे मैच गुजरेगा ठंड भागेगा ही निश्चित रूप से। तो फिर आक्रमण पांच नंबर के जर्सी में कोल्हिया मुड़ा के रेडर निश्चित रूप से यहाँ दोनों ही ओर से एम्प्टी रेड देखने को मिलता हुआ। देवानंद चले निश्चित रूप से रज्जू पोटा पानी के रेडर और उनके ऊपर एक जवाबदेही निश्चित रूप से कैप्टन ने सौंपी है कि निश्चित रूप से आप थोड़ा सा कमान संभालिए, थोड़ा सा अंकों को चलायमान करने का प्रयास कीजिए। आक्रमण जहां पूर्ण आसान है और निश्चित रूप से दोनों ही टीमें संतुलित टीमें लग रही हैं और निश्चित रूप से यहां पर थोड़ा सा डिफेंडर ने थोड़ा सा संयम खोया और उसके फायदा हो जाए रज्जू पोटा पानी की टीम को एक और शून्य के मुकाबले। तो थोड़ा सा संयम की जरूरत निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा शुरुआती लम्हा और चार नंबर की जर्सी में कोल्हिया मुड़ा के और रेडर और निश्चित रूप से एक और शून्य के मुकाबले जिस प्रकार से खेल आगाज हुआ है तो थोड़ा सा मैच गर्माहट की ओर जाएगा। फिलहाल इस प्रकार से जोखिम लेने से बचने का प्रयास करते हुए रेडर कोल्हिया मुड़ा फिर एक बार फिर रज्जू आक्रमण में चले हैं। निश्चित रूप से कॉर्नर के ऊपर खेलने का प्रयास होता हुआ और निश्चित रूप से यहाँ जो डिफेंडर अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हुए फिलहाल कोल्हिया मुड़ा के डिफेंडर किसी प्रकार से जोखिम से थोड़ा सा बचने का प्रयास करते हुए दूर कॉर्नर में फिंगर टच आगाज किया था सफलता हाथ लगी नहीं रज्जू को। तो एक और शून्य के मुकाबले पांच नंबर के जर्सी में थर्ड रेड आता हुआ दो अडाउ रेड आता हुआ कोल्हिया मुड़ा की ओर से। तो यहाँ निश्चित रूप से चुनौती रेडर के लिए अपने आप को बचाने के लिए तो निश्चित रूप से चुनौती को थोड़ा सा पार पाना होगा रेडर को अपने आप को झोंकना होगा निश्चित रूप से क्योंकि पूरा जो संयम बरतने का काम होगा वो क्षेत्र रक्षण का काम होगा। आक्रमण और आक्रमण के साथ बचाव का भूमिका भी अदा करनी होगी और निश्चित रूप से यहाँ रेडर पवेलियन में जाके विश्राम करेंगे। निश्चित रूप से यहाँ ईच अंक इजाफा होता हुआ दोनों ही टीमों का अंकों का इजाफा दो और एक की स्थिति एक अंक बढ़ाते यथावत पोटा पानी की टीम रज्जू की टीम के पास आक्रमण निश्चित रूप से पोटा पानी के रेडर पांच खिलाड़ियों के बीच जदोजहद करते हुए जहाँ बोनस आप हो चला है तो थोड़े से मशक्कत करने का प्रयास निश्चित रूप से यहाँ बोनस का चांस बना नहीं है तो थोड़े से अपने आप को गहराई में ले जाने की जरूरत है। यहाँ फिर आक्रमण एक नंबर के जैसे में एक अच्छे रेडर है और निश्चित रूप से इस मैच पिछले मैच में जिस प्रकार से योगदान दिया उनके रेडर एक नंबर के जो जर्सी प्लान करते हैं एक उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हैं। थर्ड रेड आता हुआ कोटा पानी की ओर से तो निश्चित रूप से यहाँ चुनौती है रेडर के लिए अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। टच पॉइंट या बोनस के द्वारा भी अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। यहाँ एक मुख्य रेडर को जिस प्रकार से टच किया वो काबिले तारीफ तीन और दो के मुकाबले एक अंकों की बढ़त यथावत बनी हुई रज्जू टीम पोटा पानी के ओर से। निश्चित रूप से यहाँ पोटा पानी के मैदान में सात खिलाड़ी सुरक्षित उनके बीच में जद्दोजहद करते हुए कोल्हिया मुड़ा के ओर रेडर निश्चित रूप से थोड़े से मशक्कत करनी ही होगी कोल्हिया मुड़ा के रेडरों को तब जाके वो बढ़त की ओर अग्रसर होंगे। फिलहाल कार्तिक चले निश्चित रूप से उनके लिए बोना साफ है परस्यूट करने का प्रयास कर सफलता हाथ लगे नहीं। फिलहाल तीस नंबर के जैसे बिलोंग करते हैं पोटा पानी की ओर से एक उम्दा रेडर है और निश्चित रूप से यहाँ वो थोड़ा सा जिम्मेदारी लिया लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। निश्चित रूप से तीन और दो के मुकाबले एक कड़े मुकाबले के अंदेशा जहाँ जैसे में रेडर जिस प्रकार से लेग फायर किया कॉर्नर के ऊपर लगी नहीं और निश्चित रूप से दूर कॉर्नर में निश्चित रूप से देवानंद डमी के ऊपर खेलने का प्रयास करते हुए कॉर्नर और डमी को जिस प्रकार से निशाना बनाया लेकिन अभी तक सफलता हाथ लगी नहीं। फिर निश्चित रूप से मैच गर्माहट लेने की स्थिति में
निर्मित होते हुए। तीन और दो के मुकाबले देवानंद चले हैं और देवानंद के लिए निश्चित रूप से पोना साफ हो चला है। तो पांच खिलाड़ियों के बीच जदोजहद करते हुए यहाँ से थोड़े से अंक चुराने थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं और निश्चित रूप से वो होता हुआ छह और सात की स्थिति में एक चांस रहता है कि पोना अटेम्प्ट या टच पॉइंट के द्वारा अंक चुराया जा सकता है। फिलहाल आक्रमण में देवानंद निश्चित रूप से तीन और दो की स्थिति और जहाँ से हमारे जो आयोजक समिति के सदस्य हैं वो थोड़ा सा सहयोग प्रदान करें। सेकंड हाफ फर्स्ट रेड को हेमुड़ा की तरफ से थर्ड एम्पायर और फोर्थ एम्पायर के लिए हमारे जो आयोजन समिति के साथीगण हैं वो थोड़ा सा सहयोग प्रदान करेंगे और निश्चित रूप से तैयारी पूरी होती हुई आक्रमण कोलियामुड़ा की ओर से नंबर के जर्सी मैनेजर और निश्चित रूप से काम करना होगा। पांच मिनटों का जो समय है वहाँ आपको घर बनाने और पहचान बनाने की जरूरत है। निश्चित रूप से एक मौका कबड्डी के दुनिया में पांच मिनटों में अपने आप छाप छोड़ सकते हैं और निश्चित रूप से यहाँ थोड़ी मशक्कत करनी होगी, जिम्मेदारी का निर्वाह करना होगा। निश्चित रूप से तीन और दो के मुकाबले जहाँ पे रज्जू चले हैं जहाँ उनकी टीम एक अंकों से आगे पा रही है, एक मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ आक्रमण कर रहे हैं रज्जू और जो टीम का कैप्टन सी भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अच्छा जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने टीम की ओर से बखूबी एक जिम्मेदारी का निर्वाह और निश्चित रूप से एक अच्छे रेडर भी हैं उनके आगाज होता हुआ। फिर थोड़ी सी जोखिम लेने की जरूरत कोलियामुड़ा के रेडर को और रेडर के पास अभी बोनस आना निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से अंक चुराने का काम करना होगा और जितना देर करेंगे निश्चित रूप से दबाव में चलते जाएंगे कोलियामुड़ा के टीम। तो थोड़ी सी यही समय जहाँ शुरुआती लम्हों में अंकों को किसी प्रकार से चुराने का प्रयास होना चाहिए। फिलहाल एंट्री रेड होता हुआ देवानंद चले मोटा पानी की ओर निश्चित रूप से यहाँ एक अंकों की बढ़त के साथ आक्रमण तो थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक उत्साह है निश्चित रूप से उसको बनाने का, लेकिन एक अंक जो दूरी है उसको बनाए रखने का प्रयास भी होगा और निश्चित रूप से विजय क्रम जारी रखने का भी प्रयास करेंगे। छोटा पानी रज्जू के टीम वही कोलियामुड़ा भी तंदीर करने का भी वहाँ प्रयास करना होगा निश्चित रूप से। यहाँ थोड़ी सी टाइम आउट बुलाया निश्चित रूप से छोटा कोलियामुड़ा की ओर से निश्चित रूप से जो कुछ करना है एक चुनौती कोलियामुड़ा के रेडर के पास और निश्चित रूप से यहाँ संयम बरतने की जरूरत डिफेंडर पोटा पानी को, जितना संयम बरतेंगे उतना फायदा हो सकता है। और निश्चित रूप से यहाँ देखने को मिलेगा यहाँ अंक कमा बैठे निश्चित रूप से कोलियामुड़ा के रेडर ने अब अंकों को थोड़ा सा चलायमान कर लिया पोटा पानी ने। चार अंकों के मुकाबले दो अंकों के आता हुआ फोटा पानी की ओर से थर्ड रेड तो दोनों ओर से दोनों ही टीमें थर्ड रेड की ओर खेलने का प्रयास कर रही है। यहाँ चुनौती अपने आप को जिस प्रकार से दावेदारी की है आने वाले समय में निर्णायक के द्वारा अवगत होगा कि कितना जो दावेदारी है वो सशक्त है उसको देखना होगा। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से अंकों का इजाफा हो चला पोटा पानी का कारण डिफेंडर को जिस प्रकार से फिंगर टच तो दावेदारी की सफलता भी हाथ लग गई। पांच और दो के मुकाबले तीन अंकों के बढ़त में बाहर चली है पोटा पानी की टीम। वहीं पोटा पानी सुरक्षित सातों खिलाड़ी और निश्चित रूप से यहाँ टेकल होते हुए कोलियामुड़ा के ओर रेडर और निश्चित रूप से ऑल आउट की दहलीज के आसपास दिखाई पड़ रही है कोलियामुड़ा। एक सुपर टेकल का एक मौका निश्चित रूप से एक संयुक्त प्रयास करना होगा दोनों डिफेंडरों का। रज्जू चले आक्रमण में निश्चित रूप से कानून में खेलने का प्रयास होता हुआ तो संयुक्त प्रयास करना होगा निश्चित रूप से जिस प्रकार से एक तालमेल बना दोनों डिफेंडरों का एक प्रयास करेंगे तभी जाकर दो अंकों का इजाफा होगा सुपर टेकल का इजाफा होगा। लेकिन उतना मौका देंगे नहीं निश्चित रूप से रज्जू ने वो मौका दिया भी नहीं। आक्रमण में नौ नंबर के जर्सी पिंटू कोलियामुड़ा को रेडर और निश्चित रूप से ऑल आउट की दहलीज के आसपास दिखती हुई नजर आ रही है कोलियामुड़ा। एक संयुक्त प्रयास करना होगा टच पॉइंट लाने का प्रयास करना होगा और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण क्षण कोलियामुड़ा की ओर से मल्टी अंक का इशारा हुआ है तो छह और चार अभी भी दो अंकों के बढ़त कोटा पानी के पास और वहीं कोलियामुड़ा मैदान में चार खिलाड़ी से निश्चित रूप से चार खिलाड़ियों के बीच जद्दोजहद करते हुए देवानंद यहाँ एक सहित का प्रयास करना होगा।
दो दो खिलाड़ी गेंदबंदी में जिस प्रकार से संयुक्त प्रयास करते हैं तभी जाकर सफलता हाथ लगेगी। थोड़ी सी कंपेक्ट करने का प्रयास करना होगा कोल्हे मुड़ा देखते हैं उसके ठीक पहले रेड में जिस प्रकार से काबिले तारीफ प्रयास किया सफलता भी हाथ लगी स्थिति में पहुंच गए हैं। तो निश्चित रूप से अंतिम क्षण और जहाँ से मैच अपना रुख करेगी निश्चित रूप से आक्रमण कोल्हे मुड़ा की ओर से यहाँ गिनती की जा रही है और निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है इस मैच का सुपर रेड का इशारा हो गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे महत्वपूर्ण एक पॉइंट ले लिया है कोल्हे मुड़ा ने पानी के टीम महत्वपूर्ण खिलाड़ी से अब यहाँ पे 7 खिलाड़ी वापस आ चुके हैं अपने मैदान में निश्चित रूप से कोल्हे मुड़ा और थर्ड रेड का भी इशारा हुआ है कोटा पानी की ओर से। तो निश्चित रूप से एक चिंता का सबक कोटा पानी की ओर से अंतिम जहां डाले जो वही दुआ डाइवर्ट तो निश्चित रूप से चुनौती रेडर के लिए अपने आप को बचाने के लिए अपनी टीम को भी बचाने का एक जिम्मेदारी निश्चित रूप से अंतिम खड़े का यहाँ फंसते हुए निश्चित रूप से यहाँ पे आगे थोड़ी सी इजाफा होता हुआ दोनों टीमों का भी बढ़त एक अंग कोल्हे मुड़ा के पास और यहाँ मैच संपन्न हो चुका है मैच जीत लिया कोल्हे मुड़ा ने एक अंक से। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से और वही एक अंक से उद्देश्य हासिल करके कोल्हे मुड़ा अगले चक्र में अपने स्थान पर सुरक्षित कर चुके हैं। अभिलंब कोट के ऊपर दस्तक देंगे।